क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने 9 साइड्स वाले एंड 15 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन के हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट बताना है, यानी कि हमने ये फाइंड आउट करना है कि 9 साइड्स वाले एंड 15 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन का हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा। स्टूडेंट, सबसे पहले हम पॉलीगन के बारे में समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, पॉलीगन उस सिंपल कर्व को कहते हैं जो लाइन सेगमेंट का बना हो और क्लोज्ड हो। फॉर एग्जांपल ट्राइंगल, ट्राइंगल एक पॉलीगन होता है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स का बना होता है और क्लोज भी होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां बना लेते हैं हम एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक पॉलीगन होता है क्योंकि ये भी लाइन सेगमेंट्स का बना होता है और क्लोज होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं और बनाते हैं स्क्वायर। स्क्वायर भी एक पॉलीगन है क्योंकि ये भी लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ है और क्लोज है। तो हमको समझ में आ गया कि पॉलीगन किसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम समझेंगे कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। स्टूडेंट, ऐसा पॉलीगन जिसके सभी साइड आपस में इक्वल हो, ऐसे पॉलीगन को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। अगर मान लीजिए हमारे इस ट्राइंगल के सभी साइड इक्वल हो, यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, तो ये एक रेगुलर पॉलीगन होगा। अब क्योंकि स्क्वायर में भी सभी साइड इक्वल होते हैं, इसलिए स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगन होगा। अब स्टूडेंट्स, हम एक्सटीरियर एंगल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम किसी भी पॉलीगन के एक साइड को एक्सटेंड कर दें, जैसे कि हम इस ट्राइंगल के एक साइड को यहां पर एक्सटेंड कर दें, तो इस एक्सटेंडेड साइड और इसके साथ वाले साइड के बाहर की तरफ जो ये एंगल बनेगा, इसको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। अगर हम इस साइड को एक्सटेंड कर दें तो यहां पर बनेगा ये एक्सटीरियर एंगल। अगर हम इस साइड को एक्सटेंड कर दें तो यहां पर बनेगा एक्सटीरियर एंगल। अब क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक रेगुलर पॉलीगन है, इसलिए इसके सभी एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो आपने याद रखना है कि एक रेगुलर पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने ये बात अच्छी तरीके से याद रखनी है, एक रेगुलर पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम, उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। इसलिए अगर हमें उसके एक एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना हो तो हम 360 डिग्री को उसके नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट पर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है। लिखते हैं इन रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि क्वेश्चन में हमको रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है तो यहां पर हमने लिख लिया इन रेगुलर पॉलीगन। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में रेगुलर पॉलीगन के जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो है 9, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स जिसे कि हम n से डिनोट करते हैं वो है 9, क्योंकि हमने 9 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन के ईच एक्सटीरियर एंगल को निकालना है, हर एक एक्सटीरियर एंगल को निकालना है, तो उसके लिए हम यहां पर एक फॉर्मूला लिखेंगे। लिखते हैं देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, और ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स को हमने एन से डिनोट किया हुआ है, इसलिए नंबर ऑफ साइड्स की जगह पर यहां पर हमने एन लिख लिया। अब क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स है 9, तो हम एन की जगह पर 9 पुट अप करेंगे, तब हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 9। फिर जब हम 9 से 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो आएगा 40 डिग्री। 9 से जब हम 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो आएगा 40 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास में आ गया कि एक 9 साइडेड रेगुलर पॉलीगन का जो ईच एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है 40 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा आ गया 40 डिग्री। ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में जो रेगुलर पॉलीगन है उसके 15 साइड्स हैं, तो हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में भी लिखते हैं इन रेगुलर पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स अब कितना हो जाएगा 9 की जगह पर 15।
इसलिए अब हम ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री को 15 से डिवाइड करेंगे। 15 से जब हम 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो आएगा 24 डिग्री। तो यहां पर हमारा 15 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया 24 डिग्री। तो ये आ गया हमारे सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक रेगुलर पॉलीगन के कितने साइड्स होंगे अगर उसका एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है। क्वेश्चन में हमें रेगुलर पॉलीगन का एक एक्सटीरियर एंगल दिया है 24 डिग्री और हमसे पूछा गया है कि इसके टोटल कितने साइड्स होंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में हमें रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है तो हम लिखेंगे इन रेगुलर पॉलीगन, यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन में। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जब भी हमें किसी रेगुलर पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स निकालना है और हमें उसका एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो हम उस रेगुलर पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स को निकालने के लिए 360 डिग्री को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं और इसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। स्टूडेंट्स हम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन को एन से डिनोट करते हैं तो यहां पर हमने लिख लिया एन। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल और क्वेश्चन में जो एक्सटीरियर एंगल हमको गिवन है वो है 24 डिग्री। अब यहां पर भी डिग्री है, यहां पर भी डिग्री है, डिग्री से डिग्री को कैंसिल आउट समझिए। अब रह जाएगा 360 अपॉन 24। फिर जब हम 24 से 360 को डिवाइड करेंगे, 24 से 360 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में जो हमको रेगुलर पॉलीगन दिया गया था जिसका एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का था उसका नंबर ऑफ साइड्स आ गया 15। तो हमारा एन आ गया 15 और ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर एक रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का है तो उसके कितने साइड्स होंगे। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर एक रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का होगा तो उसके कितने साइड्स होंगे। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि एक रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल एक दूसरे के लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं। एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल एक दूसरे के लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं, इसलिए अगर हम एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल करेंगे तो हमारे पास में आएगा 180 डिग्री। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, यह हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है, ठीक है, तो लिखेंगे इन रेगुलर पॉलीगन। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल एक दूसरे के लीनियर पेयर एंगल होते हैं और लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए यहां पर एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल आया है 180 डिग्री। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें इंटीरियर एंगल दिया है 165 डिग्री तो हम इंटीरियर एंगल की जगह पर 165 डिग्री लिखेंगे। तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्लस 165 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने इंटीरियर एंगल की जगह पर 165 डिग्री ले लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल दिया था 165 डिग्री। अब हम इस प्लस 165 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तब हमारी इक्वेशन हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। तो जब हम प्लस 165 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के गए
तो राइट हैंड साइड में हो गया 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। अब हमारा एक्सटीरियर एंगल आ गया 180 डिग्री में से जब हम 165 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 15 डिग्री। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया 15 डिग्री। अब क्योंकि हमने रेगुलर पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स निकालना है और रेगुलर पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स तब आता है जब हम 360 डिग्री को एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल को यहां पर हमने निकाल लिया है 15 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल की जगह पर आएगा 15 डिग्री। डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर जब हम 15 से 360 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 24। तो यहां पर हमने निकाला कि जो रेगुलर पॉलीगन हमको क्वेश्चन में दिया गया है उसके नंबर ऑफ साइड्स हैं 24। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर।